हेलो एवरीवन। बेटा हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नया साल है ना आज, मतलब कल बेटा संडे छुट्टी थी, तो आज ही हमारा तो नया साल, नई शुरुआत। आपको पता चल गया कि हमने काफी चीजें चेंज कर दी आज से, और ये चीजें हमेशा इम्प्लीमेंट रहने वाली है, इस बात को याद रखें। क्योंकि बेटा एक बंदे को ना डायनेमिक होना चाहिए, जैसे बच्चा काम करे वैसे ही टीचर कर सकता है। तो आज से बेटा ना ही अभी ऑनलाइन लेक्चर्स किसी को अलाउ होने वाले, ना अपलोड होने वाले, जल्दी से बच्चे सुधरेंगे तो मैं सोचूंगा कि हाँ करना दोबारा स्टार्ट है या नहीं। अदरवाइज मैं किसी के भी पेरेंट्स की बात नहीं करूँगा, जिसकी तबीयत खराब है, कुछ भी है, एक्स वाई जेड रीजन, या ड्रिप भी चढ़ रही है घर, बेटा बाद में कवर करूँगा। अभी ना आपको रिपोर्टेड लेक्चर मिलने वाले हैं, ना ऑनलाइन की फैसिलिटी मिलने वाली है। एज जो देगा वो सारे देगा, बताए। और अगर अब भी ना तो ये क्या दिक्कत है, आज 20 तारीख है बेटा, 2 जन पेपर के अनाउंसमेंट हो चुकी है 24, पर इतनी बात याद रखना बेटा, पेपर से 5-6 दिन तो ऐसे काट, 18 फरवरी तक या 19 फरवरी तक ही आप मैक्सिमम किसी डिविजन जाओगे, और अगर उससे बाद भी जा रहे हो तो तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ। तो पहले पेपर की तो तैयारी के लिए 4-5 छुट्टी चाहिए। अगर इंग्लिश है सबसे ज्यादा नहीं डुबाती है वो, और इंग्लिश के काउंटिंग जब टॉप 4 में होती है, खैर तो पता नहीं इस साल सीयूटी हो रहा होगा शायद द्वारा, जैसे पिछले साल था। अगर सीयूटी होगा तो अलग बात है, अदरवाइज टॉप 4 में इंग्लिश कंपलसरी होती है, ठीक है ना। तो 18 फरवरी तुम्हारे पे मैक्सिमम, मुझे जो दिख रहा है 50 एक दिन है तुम्हारे पे आज से भी। लेकिन मैं यही कहूंगा, आज से भी जो बच्चा इतना सा भी सीरियस हो गया ना, वो आज भी 0 पे स्टैंड कर रहा है, वो आज भी 0 से 100 पे जाता है पूरे के पूरे। इतने दिन का सिलेबस है तुम्हारा 12th, इससे ज्यादा दिन का सिलेबस है नहीं। इको बीएससी में तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो मैं सब्जेक्ट करा, बाकी मैं किसी सब्जेक्ट पे कह नहीं सकता। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इतने दिन के लिए बन, ओके भाई। दूसरी बात भैया, ये तो होगी अब बात। अब जैसे हम कर रहे हैं डेली चैप्टर कर रहे हैं, करेंगे कंप्लीट करके टेस्ट लेंगे, और आखिरी के मेरी कोशिश रहेगी 10 एक दिन सैंपल पेपर और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हम रखें, जिसमें खाली सैंपल पेपर, पूरे के पूरे पेपर कैसे सोल्व होने हैं उसकी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। जिसने सिंगल सिंगल चैप्टर बहुत अच्छे से कर रखा होगा ना, जिसने साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, वो आखिरी के 7-8 दिन भी सैंपल पेपर लिख के देखना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, वो मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। लेकिन पहले आपको पूरे चैप्टर एक अच्छे से आते हो, क्योंकि जो अभी मैं इस वाले बैच की बात करूँ जो हमने स्टार्ट किया था, पता नहीं मुझे याद नहीं है कि मैंने नवंबर स्टार्ट में किया था क्या, नवंबर 7 से किया था। तो हमने पार्ट भी पूरा क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। वो कितने नंबर का आता है, 30। पार्ट ए में चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। अभी मेरे कितने चैप्टर रहते हैं बैच में, 2 से 8। मैं सोच रहा हूँ 1 के बाद 7 और 8 ही करा, है ना। मैं बता दूंगा अभी अभी, आज और कल में मेरा टारगेट है कि कौन से चैप्टर कंप्लीट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में बेटा मुझे कोई बताना चाहेगा कौन कौन से टॉपिक होंगे, सिंगल बच्चा कि भैया देखो मुझे हेडिंग्स याद है, बताओ मैनेजमेंट का मीनिंग, फिर फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल, पहले एक टॉपिक तो ये मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस। 7 फीचर्स समझाए थे, 3 ऑब्जेक्टिव समझाए थे, 5 इंपॉर्टेंस समझाए। ये हो गया मैनेजमेंट का पूरा एक टॉपिक। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक का है मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट और एज ए प्रोफेशन, यही कराया ना अभी तक। इससे आज का मेरा टारगेट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और कल का मेरा टारगेट होगा कोऑर्डिनेशन, मेरा पूरा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट, है ना। बेटा मैं इतनी बात बता दूं, मैं बिल्कुल सही स्पीड पे चलता हूँ जैसे मुझे चलना। अब ये आपको देखना है कि आप उस स्पीड को भी मैचअप कर पा रहे हो या नहीं। मेरे लिए स्पीड को बढ़ाना बहुत ईजी है, मैं जितना कराता हूँ ना कंटेंट में डबल करा दूंगा एक ही दिन। आप ये देखो कि आप इतना भी याद कर रहे हो या नहीं जितना मैं करा, क्योंकि आज भी जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, 12 बच्चे कम से कम छूटते गए, 12 बच्चे, 40% अटेंडेंस नहीं रहती हमारे बैच। और ये मैं मीडियम मतलब डेली बेसिस का एवरेज निकाल रहा हूँ, तो मैं वो लेवल बता। फिलहाल के लिए बेटा चलते हैं, अभी के लिए जो चीजें करा दी वो मैं रिवाइज नहीं करा रहा। मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस, और उसके बाद मैनेजमेंट एज ए आर्ट, एज ए साइंस, एज ए प्रोफेशन।
ये सारे जो टॉपिक हमने करे, कहाँ कहाँ केस स्टडी बनती है वो मैंने आपको समझाई, हैंड रिटन नोट साथ में बनाना बहुत जरूरी है, कहाँ पे केस स्टडी बन रही है वो मैं आपको साथ में ही समझा रहा हूँ कि ये पॉइंट केस स्टडी वाले। तो ये हुआ हमारे अभी तक के टॉपिक, अब आते हैं नए टॉपिक पे। बिल्कुल पिक करो बेटा, घर से तो किसी का भी कॉल आए लेकिन पूछ के पिक करो, वो बहुत जरूरी। तीन लेवल्स हैं हमारे, टॉप मिडल एंड ऑपरेशन। बेटा आपको पेपर में सीधा ये क्वेश्चन आएंगे कि टॉप लेवल के क्या क्या काम है, मिडिल लेवल के क्या क्या काम है वो बता दो, और ऑपरेशनल लेवल के क्या क्या काम है वो बता दो। लेकिन इन तीनों लेवल के काम क्या है वो तो हम बाद में बताएंगे, मुद्दे की बात ये आती है बेटा क्या कि टॉप मिडिल और ऑपरेशनल लेवल के काम से पहले यहाँ पे कौन कौन से पोजीशंस आती हैं। जैसे आपने कुछ पोजीशन सुनी होगी, कंपनी में एक पोजीशन होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक पोजीशन होती है कंपनी का चेयरमैन, एक पोजीशन होती है कंपनी में वाइस चेयरमैन, एक पोजीशन होती है कंपनी की सीईओ, एक पोजीशन होती है कंपनी में सीएफओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये जो पोजीशन है, एक पोजीशन होती है प्रेसिडेंट, एक पोजीशन होती है वाइस प्रेसिडेंट। मैं आपसे पूछता हूँ, रिलायंस कंपनी है, अंबानी जी का नाम सुना है? अंबानी जी रिलायंस कंपनी में क्या है पता है किसी को? कौन से पोजीशन पे काम करते हैं अंबानी जी आते हैं? शेयर ऐसी सेम टू सेम। टाटा कंपनी का नाम सुना है? तो टाटा कंपनी के चेयरमैन कौन है? टाटा पूरे रतन टाटा जी, है ना। अडानी नाम सुना है आपने? अडानी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें जो मेन चेयरमैन है वो खुद कौन ही है? अडानी। तो मेन पोजीशन सबसे ज्यादा कौन सी होती है? चेयरमैन, उसके साथ ही अलग अलग पोजीशन होती है। ये भाई कौन से लेवल पे काम करते हैं पहले तो ये आपको, ये सारे के सारे कौन से लेवल बताए? टॉप लेवल। ये क्यों बताए? पेपर में क्वेश्चन पता कैसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल वो पूरे केसेस स्टडी लिखते हैं, यू आर द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, उन्होंने ये लिखा और आपको ये कहेंगे अगर आप कंपनी के चेयरमैन हो तो आप एज ए चेयरमैन आप अपने फंक्शंस बताओ कि चेयरमैन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले कि चेयरमैन कहाँ कहाँ करता है, चेयरमैन कौन से पोजिशन पे काम कर रहा है टॉप लेवल पे। क्या पहले इतनी बार समझ में आया चेयरमैन की पोजीशन कौन सी है? टॉप लेवल की। अब उसके फंक्शंस तो बाद में बताएंगे, पहले केस स्टडी में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि चेयरमैन पोजीशन कौन सी पोजीशन है टॉप लेवल। तो पहले तीनों लेवल की पोजीशंस बता दूं, देन उसके फंक्शंस बता दूं। टॉप लेवल की पोजीशन समझ में आ गई कि टॉप लेवल में कौन कौन से है। अब मिडल और ऑपरेशनल बताना स्टार्ट करूँ, मिडल में कौन से लोग आते हैं और ऑपरेशनल? ओके भैया, तो मिडल लेवल पे कौन कौन से एम्प्लॉइज आ रहे हैं, कौन कौन से पोजीशन आ रही है वो बताओ। तो बेटा बात को बड़े देंगे, मिडल लेवल पे कौन कौन से, आपको पता है कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आप कल को एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हो तो कौन कौन से काम होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, वो काम जो तो उसके मैनेजर बना देंगे, कौन कौन से काम होंगे अगर कल को आप कोई फैक्ट्री लगाए? एक डिपार्टमेंट कौन सा होगा? प्रोडक्शन, तो उसके लिए कौन सा मैनेजर आ जाएगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से पहले भी एक बंदा और होगा परचेज, जो गुड्स को क्या करके देगा? परचेज। तो एक परचेज मैनेजर हो गया, एक प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, एक जो उसकी सेल्स करेगा कौन सा मैनेजर आएगा? सेल्स, जो इन सब के पैसे मैनेज करेगा फाइनेंस मैनेजर, और मार्केटिंग, दिखावा ही तो बिकता है, मार्केटिंग मैनेजर, और एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स जो सारे एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, ये सारे अलग अलग मैनेजर आएंगे। एक दो वर्ड अच्छे से बता दूं जहाँ गड़बड़ होती है। प्लांट सुपरिटेंडेंट, जो पूरे प्लांट को मैनेज करेगा, प्लांट सुपरिटेंडेंट। ये सबसे खतरनाक वर्ड कि पेपर में ये आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर द प्लांट सुपरिटेंडेंट, तो आपको समझ ही नहीं आता भाई ये कहाँ पढ़ा था, ये मिडल में पढ़ा था या ऑपरेशन में पढ़ा था। और अगर आपने आइडेंटिफाई करने में गलती करी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत, क्योंकि वो कहेंगे पहले आइडेंटिफाई करो देन फंक्शन करो। एक नंबर में आएगा तो बस आएगा आइडेंटिफाई, तो जब आइडेंटिफाई करने को आएगा तो सिंपल एक नंबर में तो क्या लिखना है? मिडल लाइन। और तीन चार नंबर के लिए आइडेंटिफाई के साथ क्या भी आएगा? एक्सप्लेन। तो ये जो सारे के सारे लोग ये किस में आ रहे हैं? मिडल लेवल। क्लियर है बात? और लास्ट कौन सा आ रहा है? ऑपरेशनल लेवल। इसे समझते हैं थोड़ा सा, ऑपरेशनल लेवल तो कौन कौन से पोजिशन बड़े खतरे, मतलब यार सारे मैनेजर तो यहाँ चले गए एक डिपार्टमेंट पे, जो भी टॉप अच्छी पोजीशन है डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो टॉप पे चले गए। अब कौन से एक कंपनी में
पोजीशंस खाली रह जाए। अब कौन कौन से लोग रहते हैं? एक पोजीशन आती है सुपरवाइजर की, किसकी? सुपरवाइजर की। एक पोजीशन तो कौन सी है? सुपरिटेंडेंट। एक पोजीशन कौन सी आती है? फोरमैन की, किसकी? फोरमैन की। एक पोजीशन आती है इंस्पेक्टर की। एक पोजीशन आती है क्लर्क की। जब ऐसे ऐसे अनोखे अनोखे नाम लगे ना दिखे, तो समझ लेना ये कौन सा लेवल है ऑपरेशन। एक बात वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू आर द वर्कर ऑफ ए कंपनी, क्या है? तो वर्कर कहाँ आते हैं? टॉप पे, मिडल पे या ऑपरेशन? वर्कर किसी में भी नहीं आता। वर्कर किसके नीचे काम करता है? ऑपरेशनल लेवल। ये क्यों समझा रहे हो बेटा? केस स्टडी आएगी इससे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर द चेयरमैन, तो आपको बताना है कि चेयरमैन कहाँ काम करते हैं? टॉप, तब उसके फंक्शन होता है। अब मैं काम करना, आप खुद बताओ, बिना देखे बिना सोचे, अगर कल को तुम्हें एक बड़ी कंपनी बनानी है, मैं ये कह दूं कि अगर तुम कंपनी के टॉप लेवल पे, आप कंपनी के चेयरमैन हो, तो एज ए चेयरमैन आपकी ड्यूटी क्या रहेगी? एक कंपनी क्या क्या करोगे? अगर आप कल को एक धंधा रन कर रहे हो, अंबानी जी आज के दिन रिलायंस चला रहे हैं, तो अंबानी जी की ड्यूटी क्या लग रही है आपको? अंबानी जी का मेजर काम क्या? यहाँ पे तो रट्टा मारवाई लेंगे 4 पॉइंट के, ये उसके 4 5 काम है। कोई बिना देखे सोचे प्रैक्टिकली विजुलाइज कर सकते हैं? यार मैं धंधा चला रहा हूँ, मेरा बिजनेस चलता है, मैं रिलायंस का चेयरमैन, तो मेरी ड्यूटी क्या होगी? फिर तो मैं बता ही दूंगा, आप कहोगे हाँ हाँ यही ड्यूटी होगी। क्या मैं ये कह सकता हूँ कंपनी के सर्वाइवल और कंपनी की ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंबानी जी की है? कंपनी अगर सर्वाइव कर रही है और ग्रो कर रही है, सबसे ज्यादा तारीफ किसकी होगी? सबसे ज्यादा तारीफ होगी अंबानी जी की। क्या बात है भाई साहब, बंदे ने तो बिजनेस को इतना बढ़ा दिया, पहले तो एक ही धंधा था, अब तो दो धंधे कर दिए भाई साहब। पहले सेल खाली 1 लाख करोड़ की थी, अब 2 लाख करोड़ की सेल होती है, मानना पड़ेगा। आज के दिन अडानी ग्रो हो रहा है, क्या आप उसमें खाली किसका नाम सुनते हो? बस अडानी, गौतम अडानी का ही तो नाम सुनते हो, उसके अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहते। तो जो ग्रोथ, और अगर कंपनी डूबी तो गाली भी किसी मिलेगी? चेयरमैन को मिलेगी। तो सबसे मेन पॉइंट होता है कंपनी के सर्वाइवल और ग्रोथ की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अच्छा भैया, और किसकी जिम्मेदारी होगी? सब, बिल्कुल। कंपनी के गोल्स को सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या है, उन गोल्स को अचीव कैसे करना है, उन गोल्स को सेट करना और अचीव करना भी किसका काम होगा? टॉप लेवल का। कि भाई मेरा टारगेट है, आज के दिन मेरी कंपनी 5 लाख करोड़ पे है सेल्स, मैं चाहता हूँ अगले साल सेल्स कितनी हो जाए? 10 लाख करोड़ हो जाए। ये गोल कौन सेट करेगा? टॉप लेवल सेट करेगा। मैं बोलूँ बेटा प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई साहब, सारी जिम्मेदारी गोल सर्वाइवल ग्रोथ की किसकी है? टॉप लेवल। अगर तुम लिंक करना चाहो कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पढ़े थे अभी हमने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसको अचीव कराने की किसकी जिम्मेदारी है? भाई सर्वाइवल तेरी जिम्मेदारी, ग्रोथ तेरी जिम्मेदारी, गोल सेट करना प्रॉफिट कमाना तेरी जिम्मेदारी। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारे से, बिना यहाँ पे देखो रटता हूँ, एक सबसे बड़ा बिजनेसमैन अगर आप बनना चाहते हो, छोटा बिजनेसमैन भी बनना चाहते हो, सबसे ज्यादा चीज ये सर्वाइवल ग्रोथ प्रॉफिट चाहते हो, सबसे ज्यादा चीज लाइफ में जरूरी पता चलती है, अगर एक वर्ड पूछो तुम्हें, एक बिजनेस किस पे चलता है? सिंपल, गुडविल ट्रस्ट। और जो गुडविल ट्रस्ट की जगह मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूँ सारा का सारा, क्या मेंटेन करना? रिलेशनशिप। आपके आउटसाइडर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं? आपका सप्लायर आपसे कितना खुश है? आपका कस्टमर आपसे कितना खुश है? जब मैं सप्लायर को फोन करता हूँ, हाँ भाई माल भेज दे 1 करोड़ का भी, तो क्या आपकी रिलेशनशिप ऐसी है क्या वो 2 मिनट में आ रहा है? आप बैंक जाते हो, ला भाई 100 करोड़ का लोन अप्रूव करा जल्दी से जल्दी, क्या आप आउटसाइडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ऐसे रिलेशनशिप मेंटेन करते हो या नहीं? बेटा अगर आप बैंक्स को नहीं जानते, आपके रिलेशनशिप सप्लायर, आप बताओ आपने सप्लायर से रिलेशनशिप बिगाड़ लिया अपनी, तू तो हो गया आपके और चल भाग जाए यहाँ से, तो आपका रॉ मटेरियल कौन सा आएगा? और अगर आप ट्रेडिंग में हो तो आपका फाइनल गुड्स ही कहाँ से आएगा? क्या करोगे धंधे में?
बेटा सप्लायर आउटसाइडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सबके साथ क्या मेंटेन करना बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप, ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है, टॉप लेवल सबसे ज्यादा कि भाई हमें क्या मेंटेन करनी है, रिलेशनशिप मेंटेन करनी। तो ये सारा काम टॉप लेवल के, अगर ये चार पॉइंट याद रखते हैं ना, यहाँ लिखते हुए मैं हैंड रिटन नोट क्या ह्यूमन रिसोर्स के बेटा, ह्यूमन सारी रिलेशनशिप के मेंटेन करने की जिम्मेदारी तो किसी की है, टॉप लेवल की है, A to Z जितनी भी हम रिलेशनशिप मेंटेन करा रहे हैं वो टॉप लेवल वर्कर के नहीं है। वर्कर के लिए मैं आऊंगा, वर्कर के लिए कौन सा लेवल काम करेगा आप खुद बताओ। अंबानी जी कंपनी, अंबानी जी की जो मैंने काम बताया, ये सारे काम तो अंबानी जी की होंगे जितने मैंने बताया, लेकिन जो छोटे लेवल पे एक नौकर काम करता है उसकी फैक्ट्री में, हजारों फैक्ट्री चलती है अंबानी जी, वो कौन देखेगा? लोअर लेवल का फोरमैन देखेगा ना, वो खुद ही अपॉइंट करेगा, खुद ही उसकी टेंशन है, हमारी टेंशन नहीं। मैंने ये क्यों बोला बेटा, प्लीज मेरे साथ हेडिंग पढ़ भी लेना और ये याद भी रख लेना, टॉप लेवल के चार काम नहीं है बेटा, वो सारी बातें अभी आ ही रही है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है? प्रिंटेड में से लिखवा रखा है, इसमें लिखा हुआ ही नहीं बच्चों ने, निकम्मे है बच्चे। एक काम घर से कह दो करने के लिए, वो घर से कभी होता कोई है, यहाँ जो लिखवा दो तो लिखवा दो। चलो बेटा मुझे तो यहाँ फिलहाल रीड करके याद कराने, जिससे कि आगे चले, और आपके दोनों के क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा अभी। ये देखो ये पॉइंट्स याद रख लेना जो मैंने आपको, देव कीवर्ड क्या है, देव फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। कीवर्ड है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल, दे बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद आउटसाइड पब्लिक। गोल्स बनाना अलग बात है, और गोल्स को अचीव करने के लिए भी क्या बनाने होते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज, वो बनाना भी किसका काम है, तो क्या बात है। और अच्छा एक बार रीड करा दूं कि भैया टॉप पे कौन कौन आता है, चेयरमैन, COO, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एक होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक होते हैं चीफ फाइनेंस, सारे तीन चीफ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सब किस पे आ रहे हैं, टॉप लेवल, ठीक है ना, सारे के सारे टॉप लेवल पे। और काम क्या है, मुझे लगता है जो बच्चा ध्यान से यहाँ सुन ले ना, उसे अभी याद हो जाता है कि टॉप लेवल पे काम करना। चले बेटा आगे मिडल पे, इन्होंने सर्वाइवल ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसके लिए क्या भी बनाए थे, प्लान एंड पॉलिसी, मिडल लेवल पे। ये मिडल लेवल के काम के बड़े ही आराम से बेटा, मैं तो बड़े इजली याद कराता हूँ, क्योंकि पॉइंटों पे केस स्टडी नहीं आती, यहाँ पे केस स्टडी आती है पोजीशंस पे, उसके अलावा कोई भी चार पॉइंट लिख दो ये हो जाती है। मिडल लेवल का काम क्या होगा, दो तो बड़ा इजी, एक होता है प्लान बनाना, जैसे मैं प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल दूँ, टाटा आज बड़ी कंपनी बन, वो सारे प्लान्स बनते हैं, जैसे कि टाटा का जो टाइटेन का ब्रांड है वो इतना बड़ा बना, तनिष्क इतना बड़ा ब्रांड बना, बाकी तो आपने इतने सुने नहीं है, टाटा की टी आ रही है, ताज होटल आ रहे हैं, हर एक बिजनेस के अलग अलग प्लान है। मैं आज ही सुन रहा था टाइटेन इतनी ग्रोथ कैसे, तो ग्रोथ के लिए उन्होंने कहा हम अलग अलग प्लान, पहले जो कंपनी थी वो खाली क्या बनाते थे, घड़ी बनाती थी, फॉर एग्जाम्पल पहले घड़ी बनती थी खाली ओनली फॉर मेंस, देन वो किसके लिए ले लेके आए, वुमेन्स के लिए, पहले वो इंडिया में बेचते थे, देन वो कहाँ पे भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, इंडिया के बाहर भी इंट्रोड्यूस करी, पहले वो खाली घड़ी बेच रहे थे मेंस के लिए बेच रहे थे, वुमेन में आए इंडिया के बाहर है, फिर उन्होंने कहा और ग्रोथ करनी है, तो उन्होंने कहा तो घड़ी क्यों बेचे, साथ में क्या भी बेचते हैं, चश्मे भी बेचना शुरू करते हैं, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, अपने स्पेक्स इंट्रोड्यूस कर दिए, ऐसे कंपनी ग्रो करती है कि नए नए प्रोडक्ट्स लाओ, नए नए लोगों के लिए लाओ, नई नई जगह के लिए लाओ, आपकी क्या होती रहेगी ग्रो। तो प्लान्स बनाना अलग है, लिख दो भाई साहब, बड़ी बात है, सबसे बड़ी दिक्कत लाइफ में ये, प्लान्स तो हर कोई बना लेते हैं लेकिन उसे क्या नहीं करता कोई इम्प्लीमेंट। तो ये जो मिडिल लेवल वाले हैं इनके दो काम होंगे, एक तो जो उन्होंने प्लान्स बनाए, मैं दो वर्ड लिख रहा हूँ, एक है उन प्लान्स का इंटरप्रिटेशन, क्या लिखा मैंने वर्ड, इंटरप्रिटेशन, और एक वर्ड आता है इम्प्लीमेंटेशन।
क्या मुझे दो में कोई बच्चा फर्क बता सकता है कि इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या हुआ और इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग? इंटरप्रिटेशन का मतलब हुआ रीड कर, जो टॉप लेवल ने कहा कि कल को तुम्हें ये गोल ऐसे अचीव करना, तो उसे पढ़ के समझना, और उसे जब एक्चुअल में एक्सिक्यूट करोगे तो उसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन। तो बेटा दो लाइनें अलग अलग याद रखती हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्लान्स फॉर्मड बाय द टॉप लेवल और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान फॉर्मड बाय द टॉप लेवल, ये दोनों काम एक किसके हैं, मिडल। क्या बात समझ में? अच्छा भाई एक दो काम और बताता हूँ, ये परचेज सेल्स फाइनेंस सेल्स मैनेजर है, इन सबको आपस में क्या भी तो करना पड़ेगा, वरना भाई साहब लड़ाई हो जाएगी एक ही दिन। परचेज मैनेजर को वही खरीदना है जो प्रोडक्शन को चाहिए, प्रोडक्शन को वही प्रोड्यूस करना है जिसकी सेल्स हो सकती है, जिसकी सेल्स होगी मार्केटिंग भी उसी की होना चाहिए, पैसा भी वहीं पे क्या होना चाहिए, लगना चाहिए। तो ये सब आपस में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट। मैं तो चार पॉइंट बताता हूँ और एक और काम बता देता हूँ। अब बड़ी बड़ी कंपनी, आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनी में एक ही डिपार्टमेंट में कितने ही हजारों लोग काम करते होते हैं, तो आपके डिपार्टमेंट में आप ये इंश्योर करो, क्या इंश्योर करो, क्या आपके पास नेसेसरी एम्प्लॉयज हैं या नहीं, क्या आपके पास क्या है, अगर आपको 1,000 बंदा चाहिए आपके नीचे, क्या आपके नीचे 1,000 बंदा है या नहीं, और सबको क्या दे रखा है प्रॉपर टास्क। तो ये भी किसकी ड्यूटी होगी, इन मैनेजर की। तो जल्दी से चार पॉइंट इसके बढ़ते हैं और फिर लास्ट और काम खत्म। देखो भाई मिडिल लेवल पे कौन कौन से लोग आ रहे हैं, इस लेवल में सारे डिवीजन के हेड, सारे एरिया के मैनेजर, प्रोडक्शन फाइनेंस मार्केटिंग, कीवर्ड जिस पे बच्चा गलती कर सकता है, एक प्लांट का सुपरिंटेंडेंट, ऑपरेशन मैनेजर, प्लांट मैनेजर, ये दोनों का लिंक है हमें पता है। अब भैया आपने कौन कौन से कीवर्ड्स बताए थे, ये मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान जो किसने डेवलप करी, तो कीवर्ड क्या है इम्प्लीमेंटिंग, ये मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल, और ये इंश्योर करते हैं कि डिपार्टमेंट में कैसे इंप्लॉयज हो, नेसेसरी हो, सबको क्या दी जा रही है प्रॉपर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये हर एक अदर डिपार्टमेंट के साथ क्या भी करेंगे, कॉर्पोरेट, ये अपने एम्प्लॉयज को जो उनके नीचे काम कर रहे हैं सबको मोटिवेट करेंगे। खत्म। लास्ट में कौन कौन आता है पहले ही बता दिया था, फोरमैन, सुपरवाइजर, क्लर्क और सुपरिंटेंडेंट। भैया इसका काम क्या है, काम खत्म करो भैया, आज चैप्टर खत्म, मतलब ये टॉपिक खत्म, सुहा टाटा। उसके बाद मैं तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट दे दूंगा बैच में, जिसे रिवाइज करना है लिखा हुआ रिवाइज करे, जिसने लिखना है वो लिखे, मैं बैच में ही आपको टाइम दे दूंगा। लास्ट टॉपिक और काम खत्म। भैया क्या है ऑपरेशनल मैनेजर, बेटा जो अभी मेरे से क्वेश्चन, एक तो मिडिल लेवल से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, आपने पूछा था या आपने पूछा था, वो वाला अभी क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, एक आपने भी क्वेश्चन पूछा था, आपने क्या पूछा था, एक डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा होगा, जो परचेज मैनेजर के नीचे काम करेगा, उसे कौन मैनेज करेगा, परचेज मैनेजर या एचआर मैनेजर, ये चैप्टर 6 में बताऊंगा अच्छे से कि किस केस में एचआर मैनेजर यूज होता है और किस केस में परचेज मैनेजर। आज का लास्ट टॉपिक ऑपरेशनल मैनेजर के काम क्या है, बेटा सारी बात खत्म कर दो, 5 पॉइंट है, सारे काम किससे रिलेटेड है, वर्कर जो एक नौकर तुम्हारे यहाँ जो एक्चुअल में फैक्ट्री में काम कर रहा है मशीन के ऊपर, वो जो वर्कर है उसके सारे काम कौन देखने वाला है, ऑपरेशनल। अब बताओ वर्कर से रिलेटेड फैक्ट्री में क्या काम हो सकते हैं, वर्कर को एक तो ये देखो जो ऑपरेशनल मैनेजर है वो लिंक का काम करेगा किसके बीच में, मिडल लेवल और वर्कर, वर्कर को जो भी काम बताना है मिडल लेवल का या टॉप लेवल को कोई काम बताना है, तो अंबानी जी खुद तो आएंगे नहीं फैक्ट्रीज में, जो एक वर्कर, एक जो 400 रुपए बनते हैं, 400 रुपए के रेट में काम करते हैं, तो इनकी सारी बातें टॉप और मिडिल लेवल की सारी बातें वर्कर तक कौन पहुंचाएगा, ऑपरेशनल लेवल। और वर्कर को कोई भी दिक्कत है कोई भी, जो वो अपने टॉप लेवल को बताना चाहते हैं, तो वो भी किसके थ्रू बताई जाएगी, ऑपरेशनल। तो ये दोनों के बीच में क्या बन गया, लिंक, ये जिसे कहते हैं मीडिएटर, दोनों के बीच का ब्रोकर है, ये लिंक का काम करेगा। पहले लाइन ऐसे लिखे जाते हैं, इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन मिडल एंड वर्कर। अच्छा और कोई काम, वर्कर को ट्रेनिंग देनी है तो वर्कर को ट्रेनिंग कौन देगा, ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। उसके अलावा वर्कर को ट्रेनिंग देने के साथ साथ
क्या वर्कर को 100 तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ग्रीवेंसेस आ सकते हैं। ग्रीवेंसेस को कौन सॉल्व करेगा? ऑपरेशनल लेवल। वर्कर को ट्रेनिंग देने के साथ साथ एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना, उनकी बातें पता लगवाना, क्या वो कंपनी से खुश हैं या नहीं। तो ये लोग उनके साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं? इंटरपर्सनल। एक होती है फॉर्मल रिलेशनशिप, एक होती है इनफॉर्मल। तो ये कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करेगा? इनफॉर्मल, जिससे कि पता लगता रहे कि वर्कर कंपनी में काम करके खुश है अभी या नहीं। तो वर्कर के जितने भी काम, उनकी सैलरी, उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी बातें टॉप लेवल तक पहुंचाना, सब ऑपरेशनल करेगा। लेकिन बस ये एक काम नहीं कर सकता। जब एक नया नौकर रखा जाता है ना, वर्कर को नौकर ही कह सकते, उस समय उसकी सिलेक्शन ऑपरेशनल नहीं करेगा। उसको सिलेक्ट कौन करेगा कि ये वर्कर हमारे यहाँ काम करेगा या नहीं? मिडल। ये उस केस में मिडल लेवल की क्या करेगा? हेल्प। ये मिडल लेवल को बताएगा, यार ये नया वर्कर आया है, इसे काम पे रखा जाए या ना रखा जाए, ये अपनी एडवाइस दे देगा। लेकिन अल्टीमेट डिसीजन एक नए वर्कर को रिक्रूट करने का, कंपनी में नए बंदे को काम देने की पावर किसके पास? ये है मिडल लेवल की। बाकी ट्रेनिंग देना, उनके प्रॉब्लम्स देखना, उनकी ग्रोथ देखना, वो सारे काम कौन करेगा? ऑपरेशनल। आपका डाउट शायद मेरा मानने क्लियर हो गया, जो आपका डाउट था। किसी और को कोई भी डाउट है, कोई भी काम? बेटा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, अगर आप सोचो ना, अंबानी की, रिलायंस ऐसी चलती, टाटा, एयरटेल, सब ऐसे चलते। अगर तुम कहोगे भैया हम ये छोटी सी दुकान पे ये काम लगाना चाहते हैं, फिर तुम तो 3 लेवल ही नहीं बना सकते। तुम क्या 3 नौकर रखते क्या? पहली बात तो ये समझो, ये 3 लेवल्स हैं। तो ये तब लगता होगा जब लाख करोड़ की कंपनी, 10 लाख करोड़ की कंपनी, क्या भैया हम बना सकते हैं? बेटा बनाने को तो कोई कुछ भी बना सकता है। आप, बात ये है कि आप पे वो नॉलेज है या नहीं। तो बेटा 4-5 लाइनें पढ़ लें जो मैंने कीवर्ड्स बताए। ऑपरेशनल लेवल एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ क्या करेगा, और उन्हें क्या भी देगा इंस्ट्रक्शन जो मिडल लेवल से है। ये उनकी प्रॉब्लम्स किसके सामने रखेगा? मिडल लेवल के सामने। ये उनकी क्या मेंटेन करेगा? गुड वर्किंग कंडीशन। ये उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेगा, उनकी मोटिवेशन लेवल को बताएगा। और लास्ट, सबसे खतरनाक, ऑपरेशनल हेल्प करेगा किसकी? मिडिल लेवल, इन रिसीविंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द वर्कर। तो अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट मिडिल। आज के लिए इतना ही, लिख लो या रिवाइज कर लो, मैं जितना मार्क कराऊंगा उतना लिख लेना। तीनों लेवल्स में कौन कौन से एम्प्लॉयज आते हैं, एक तो वो बात, और चार चार फंक्शंस। आज के लिए